सुबह के बजे हैं 6:50, दिन रविवार। मैं घर के पास हूँ, अपने घर के पास से निकला हूँ एक नए अभियान के लिए, एक नए डेस्टिनेशन के लिए। और मेरे साथ इस बार होंगे 2-3 बंदे होंगे, उन सब से आपका परिचय करवा दूंगा। वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। बाय द वे, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोम और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एच सोम। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। शुरू बहुत लोगों ने कहा था कि सर आप अपनी जो कहानी है ना, ट्रैवल स्टोरी जो है वो घर से शुरू कीजिए, तो मैं घर से ही शुरू कर रहा हूँ। मैं मेरे घर से निकलते ही एक मोड़ आता है, ये 234 बस स्टैंड बोला जाता है, 234 बस स्टैंड मोड़ निकलते ही है। तो इस मोड़ पे मैं खड़ा हूँ, ये रोड सीधे है, मुझे हम लोगों को जाना है इधर से सीधे। रिवील मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, देखिए एक फ़ोन आ गया। आप लोग बड़े उतावले होते हो कि सर जी स्टोरी क्या है, सर जी स्टोरी क्या है। उतावले होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब बताऊंगा, सब डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों को। फर्स्ट बंदे से मीट कर लूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से कहूँ तो डिस्टेंस, उस स्पॉट की जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 100 किलोमीटर। फर्स्ट बंदा और उसकी फ्रेंड दोनों मिलकर यहाँ पहुँच गए। और इस ट्रिप की जो सबसे बड़ी खासियत होगी, आपको मेरी गाड़ी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, ये गाड़ी और एक है देख लो, सेम, तो मतलब दो गाड़ी सेम है और बाकी दो हैं, उनकी गाड़ी भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए चला जाए। इस बंदे का नाम है अर्पण दास। तो रूट हम लोगों का ये है, लॉर्ड्स, यहाँ से लॉर्ड्स मोड़ जाना है। लॉर्ड्स मोड़ से होते हुए, जो कलकत्ता वासी हैं उनको पता होगा लॉर्ड्स मोड़ कहाँ पे है, जो कलकत्ता से बाहर रहते हैं उनको नहीं पता होगा। तो लॉर्ड्स मोड़ कलकत्ता साउथ में है। लॉर्ड्स मोड़ से होते हुए हम लोग को फिर जाना है एक साइड मोड़ जो कि नियर अबाउट धर्मतल्ला है। एक साइड मोड़ से लेफ्ट टर्न लेकर सेकेंड हुगली ब्रिज जाना है। सेकेंड हुगली ब्रिज होते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम है राइट नाउ। प्रॉब्लम ये है कि जो सेकंड हुगली ब्रिज होते हुए जो रूट हम लोग को पकड़ना था, जो मेन रूट था, वो मरम्मत का काम चल रहा है। वहाँ पे एक ब्रिज है सातरागाछी ब्रिज, वो ब्रिज मरम्मत के लिए चल रहा है, काम चल रहा है। तो दैट्स वाई हम लोग को वहाँ से विद्यासागर जो टोल प्लाजा या सेकंड हुगली ब्रिज का जो टोल प्लाजा है, वहाँ से हम लोगों को एक रोड पकड़ लेनी है, बाईपास रोड है कह लीजिए आप लोग, आंदुल रोड। आंदुल रोड होते हुए आगे बढ़ना है। कहाँ जाना है अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए, ज़रूर बताऊँगा। ऐसा हुआ है क्या कभी कि सर आप लोगों को बताया नहीं, मैं आप लोगों को बताया नहीं हूँ, मैं हर चीज़ बताता हूँ, मेरा जो अनुभव है, वो अनुभव मैं हर चीज़। और ये रहा साउथ सिटी स्काई स्क्रैपर। हाँ, बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप लोग करते हो नहीं और मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स ये भी कर दीजिएगा। भाई इस उम्र दराज इंसान को थोड़ा सा बढ़ने का तो मौका दीजिए आप लोग, है ना। तो तीसरा बंदा ये रहा, कुंतल इसका नाम है, इसकी भी एक्सपल्स जैसा कि आप सामने देख रहे हो, एक और एक्सपल्स मेरी वाली एज यूजुअल।
तीसरी एक्सपल्स। यहाँ पे तीन एक्सपल्स है, ही इज ए कुंतल, दैट वन इज अर्पण और उसकी फ्रेंड, उसकी फ्रेंड का नाम नहीं जानता यार, चलो बुढ़ोती में जानने के। और पूरा गेयरअप में है अर्पण, टीवीएस का मैं दिखा दूँ आपको, टीवीएस का इसने पहना है ए टू जेड पूरा, टीवीएस ने बनाया अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। प्रोटेक्शन क्या है मुझे नहीं मालूम, ये अर्पण ही बता सकता है, अच्छा बनाया है, क्वालिटी अच्छा है। सबसे बेस्ट लगा टीवीएस का ये हेलमेट एक्सपॉड, ये है उसकी फ्रेंड भी है पहनी हुई, वो तो वेगा की पहनी हुई, पुलिस वाली हेलमेट पहनी हुई है। भाई पुलिस में थी क्या आप, पुलिस वाली हेलमेट पहनी हुई हो? चौथा बंदा उसकी एक्सपल्स वहाँ खड़ी है और चौथा बंदा ये रहा, ये इसको आपने कैनिंग वाले ब्लॉग में मेरे साथ देखा होगा, देखा होगा नहीं देखा है कैनिंग वाले ब्लॉग में। हाँ बाय द वे कालना ब्लॉग में भी था, वर्धमान जो कालना हम लोग गए थे कालना ब्लॉग में भी था। और ये उनकी गर्लफ्रेंड, तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे 3, 4, 5 और इंक्लूडिंग विथ मी इस बुढ़े को लेकर 6 लोग हैं। 6 लोग आज हम लोग जा रहे हैं, 6 लोग हैं और गाड़ियाँ 3-4 है, चारों एक्सपल्स, चारों राइडर। और इन हम चारों में से ये शुभजीत मोटो ब्लॉगर और मैं खुद मोटो ब्लॉगर। तो शुभजीत का चैनल है पैशनेट जीत योर चैनल नेम। भाई इसके चैनल को देखना जाना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, कोलाघाट सब्सक्राइब करना इसके चैनल को और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं अभी थोड़ा सा चाय पानी के लिए, हम लोग अभी कोलाघाट जाएंगे, वहाँ थोड़ा चाय पानी करके सीधे स्पॉट में। बाय द वे मैं बता दूँ स्पॉट कहाँ है, स्पॉट आज हम लोग जा रहे हैं तमलुक राजबाड़ी। ग्रुप के बाकी तीनों यहाँ खड़े हैं, ये रहे। अभी कोलाघाट ब्रिज से पहले हम लोग हैं, जहाँ पर हैं वो एक रेस्टोरेंट, घोष रेस्टोरेंट, ये पीछे भी देख रहा हूँ ये रहा। और यहाँ झूला भी लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं झूले पे। तो इस रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ का दो एक डिश जो है, मेरे को कुंतल ने बताया कि दादा यहाँ पे एक डिश फेमस है बहुत, लोग यहाँ इसीलिए आते हैं। तो मैंने कहा कि चलो भाई ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, करने के बाद स्पॉट में हम लोग फिर पहुँच रहे हैं। तो जो मेनू है वो मेनू क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए, ज़रा सा वेट करिए। ओके, हम लोग का ब्रेकफास्ट जो है वो आ चुका है। ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला है वो मैं दिखा देता हूँ। पूरा ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ है, आलू पराठा, एक सब्जी है, प्याज दिया है। और आलू पराठे की जो खासियत है, खासियत ये है विदाउट ऑयल है सबका। देखो ये विदाउट ऑयल आलू पराठा है, खासियत ये है। और पराठे का साइज इतना बड़ा है कि एक प्लेट, देखो वहाँ पे एक प्लेट खाली लेना पड़ा हम लोग को वो रहा खाली प्लेट है, अब उसमें कौन जाएगा ये किसी को नहीं पता है। तो अभी यहाँ से हम लोग का भोजन हो चुका, अब इस स्पॉट से करीब करीब 11-17 किलोमीटर है, सब गाड़ी रेडी है, चलो चलते हैं। जो स्पॉट है हम लोग का तमलुक राजबाड़ी, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो करीब करीब 17 किलोमीटर है, तो ज़्यादा दूर है नहीं। यहाँ पे इसलिए रुके कि सबको भूख लगी थी, थोड़ा फ्रेश भी होना था, सबको फ्रेश हो लिए। और वही चिर परिचित ब्रिज, कोलाघाट ब्रिज, फेमस कोलाघाट ब्रिज।
वो अभी आप लोगों के सामने आ रहा है। और ये रहा दोस्तों कोलाघाट ब्रिज, एक नॉस्टैल्जिया है सबका, और पता नहीं क्यों इतना खूबसूरत लगता है। ये रूपनारायण नदी है, रूपनारायण नदी के ऊपर ये ब्रिज है। क्या है इस ब्रिज में कुछ समझ में नहीं आता यार। जी हाँ, यहाँ से लेफ्ट टर्न है। सीधे खड़गपुर, बाएं हाथ को हल्दिया, अब इस रोड से हम लोग, ये जो सीधे खड़गपुर वाला रोड है इस रोड पे हम लोग नहीं जाएंगे, ये सीधे हल्दिया वाला जो रोड है हल्दिया वाले रोड में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये दीघा की ओर जाता है, दीघा हल्दिया वगैरह वगैरह जाता है। हल्दिया यहाँ से 53 किलोमीटर है, तो हम लोग 17 किलोमीटर जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं। 17 किलोमीटर बहुत बड़ी बात नहीं है, 17 किलोमीटर अभी तो 15 किलोमीटर है, और सुबह के बजे 10:26। हल्दिया सीधे तमलुक बाएं तरफ, मेचेदा दाहिने तरफ, तमलुक बाई तरफ। तमलुक बाई तरफ हम लोगों को बाई तरफ चलना पड़ेगा, और इस तरीके से इस मोड़ से बाई तरफ। ये देखिए विद्यासागर जी की स्टैचू यहाँ लगी हुई है। और इस वक्त मेरे मन में, देखिए सुबह से मेरे मन में बहुत कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ मेरे मन में चल रहा है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, सब कुछ है, सब कुछ दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी एक चीज़ मेरे मन में चल रहा है। वो क्या चीज़ चल रहा है इस ट्रिप को देखकर आप लोग बताओ तो ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखो। और हम लोग शायद पहुंच गए हैं। जी हाँ, हम लोग पहुंच गए स्पॉट पे। हिटाई जी के अंदर जा सकते हैं कि नहीं, परमिशन। गाड़ी की ओदी के दान करो बे। ये ऑफ रोड है, देखिए वो साइडलिंग कर रहा है। ওই ওইদিকে কুন্তল উপরে ওইদিকে রাখো, ওই জায়গাটা তোমার বাঁদিকে ওই যে ভদ্রলোক রেখেছে, পরপর চারটে রাখো ওখানে। अंततोगत्वा हम लोग पहुंच गए हैं स्पॉट पे,
जिस स्पॉट की बात मैं सुबह से बता रहा था, अभी 11 बज रहे हैं करीब, तमलुक पैलेस या तमलुक राजबाड़ी, यहाँ की भाषा में बोला जाता है तमलुक राजबाड़ी पहुँच गए हैं। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मैं तमलुक राजबाड़ी के मेन गेट, ये रहा मेन गेट के सामने मैं खड़ा हूँ, और राजबाड़ी का जो मैदान है, इस मैदान में मैं खड़ा हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ तमलुक राजबाड़ी के बारे में, और जानकारी देता हूँ आप लोगों को। ये है वो पैलेस, तमलुक पैलेस, जिसके बाएं साइड में खड़ा हूँ, और इस पैलेस की कंडीशन, बाएं साइड का कंडीशन ये रहा। पैलेस से सटा हुआ पीछे वो मंदिर है, मंदिर का जो गुंबद आप देख रहे हो, ये है पैलेस। यहाँ हम लोग आए हुए हैं घूमने, ये देखिए मेरे साथ वाले, ये रहे। तमलुक राजबाड़ी के दाहिने हिस्से में हूँ, ये रहा दाहिना हिस्सा, कुछ ऐसा है यहाँ। और दाहिने हिस्से की जो बनावट है वो मैं दिखाता हूँ। सोच लो ये उस जमाने का स्ट्रक्चर है, और इसके बारे में थोड़ा मैं हिस्टोरिकल बातें मैं बता दूं। ये ताम्रलिप्त जो नाम था, ये महाभारत काल में ही पड़ चुका था, संजय के द्वारा ये महाभारत काल में पड़ चुका था ताम्रलिप्त। यहाँ पर वेनसांग भी आ चुके हैं, उस जमाने में वेनसांग भी आ चुके हैं। इस पैलेस में उस जमाने में क्या, इस पैलेस में आ चुके हैं। सोच लो अब आप, इस पैलेस की इतनी बड़ी महत्ता है, और अभी पैलेस की जो हालत देख ही रहो क्या हो गया है। इधर एक झील है, इस घर के पिछले हिस्से में मैं खड़ा हूँ अभी, ये देखो पिछला हिस्सा ये रहा। और मंदिर जो मैं बता रहा था, इस मंदिर की बात मैं जो बोल रहा था, वो मंदिर ये रहा पीछे, ये देखो यहाँ पे ये रहा मंदिर। हिस्ट्री बहुत पुराना है, इतिहास के बारे में मैं क्या बताऊँ, बहुत इसका जो इतिहास है, इस बिल्डिंग का इतिहास है, बहुत ही रिच और पावरफुल इतिहास है। क्योंकि ये पोर्ट था, बंदरगाह नगर की वजह से इसका इतिहास बहुत रिच था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन काल परिवर्तन, समय चक्र के परिवर्तन के हिसाब से ये कुछ ऐसा बदल गया, और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का भी मूर्ति लगा हुआ, ये देखो मेरे पीछे मूर्ति लगा हुआ, यहाँ पे वो आए थे, वो चीज़ बार बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये पता नहीं उसी ज़माने का कुछ है जो रिनोवेशन किया जा रहा है अभी, बट यहाँ पे घर बन गए हैं, देखो पीछे वगैरह ये सब घर बन गए हैं। ये पैलेस है, पैलेस के पीछे ठीक ये घर है। तो अब आप सोच लो मैं क्या कहूँ, मेरे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, ये राजघराने का मंदिर है। मंदिर के अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूँ, जूता खोलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है मंदिर है तो जूता खोलना ही पड़ेगा। मंदिर का बिल्डिंग जो है वो ये रहा, ये तो मैं इधर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये, लेकिन सामने से मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा है।
मंदिर के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ के जो राजा थे उन राजा का नाम था राजा तमरुध्वज, ठीक है। ये उनके बनाया हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा उनका बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। कहा जाता है कि उनके नाम से भी ताम्रलिप्त जो शहर का नाम पड़ा, उनके नाम से भी पड़ा था, ताम्रध्वज था। इनके जो वंशज हैं, हम लोग को एक जगह ले जा रहे हैं, वो जगह ये है। एकमात्र वृंदावन के बाद वो यहाँ पर है और कहीं नहीं है, ये तमाल का पेड़। अब इसको तमाल को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये देखो पेड़, ये रहा। मैं इस महल के अंतिम छोर में खड़ा हूँ और ये पीछे जो नाला आप देख रहे हो, ये छोटा सा नाला देख रहे हो, पहले क्या होता था, सुरक्षा की वजह से महल की जो चार दीवारी होती थी, चार दीवारी के बगल में नाले बनाए जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से। ये वही नाला है। और चूंकि महल तो टूटते टूटते आप लोगों को मैं दिखाया कि वो हालत हो गई है, अब ये मैं पूरे जंगल के बीच में खड़ा हूँ। ये जो तालाब आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तालाब की कहानी है। इस तालाब में यहाँ के जो राजे रजवाड़े थे वो अपना जो सोने की जो सोने के जो हीरे जवाहरात के जो संदूक होते थे, संदूक को यहाँ पर डुबोकर, और वो जो तमाल का पेड़ आपको दिखाया मैंने उधर, जो तमाल का पेड़ था उस तमाल के पेड़ में बांध कर रखते थे। ये रहे तालाब की सीढ़ी, हम लोग सीढ़ी पर खड़े हैं। इस तालाब का नाम है जलहरी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बताया इतना कुछ हिस्ट्री इतिहास, तो यहाँ से निकलकर अभी हम लोग जा रहे हैं, एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बर्ग भीमा मंदिर, वहाँ जा रहे हैं हम लोग चारों। बर्ग भीमा माता मंदिर पहुंच गए हम लोग, यही मंदिर है। मंदिर के अंदर जाने का ये जो बायां वाला रास्ता है, यहाँ जो गार्ड है वो गार्ड बता रहा है ये बायां वाले रास्ते में है। और गाड़ी खड़ी करने के लिए इधर कुछ बोल रहा है कि इधर गाड़ी खड़ी कीजिए। अच्छा, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह इन्होंने बनाया हुआ, वेरी गुड। चलिए एदिके एदिके। এখানে তো রাখতে হবে মনে হচ্ছে, উপরে উঠবে, উপরে তো জায়গা কোথায়, সব তো হয়ে গেছে, ওই ওই দিকটা রাখো না, ওখানটায় ওই গাড়িটার পিছনে যাও। হ্যাঁ, গিয়ারে রেখো, ফার্স্ট গিয়ারে রেখো। अभी हम लोग बर्ग भीमा मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और अंदर जो एंट्रेंस है गाड़ी वालों का वो कुछ इस तरीके का एंट्रेंस है। बेटा ऊपर है तो ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। फिर वही केस, जूता खोलना, यहाँ पे जूता खोलना है, जूता खोल कर फिर आगे जाना है। अभी मैं बर्ग भीमा मंदिर के अंदर हूँ, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है, उतनी आवाज़ मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई नहीं देगी, फिर भी कोशिश करता हूँ जितना सुन सके तो सुनिएगा, हेडफोन लगा लीजिएगा।
मंदिर का जो प्रांगण है कुछ इस तरीके का, और मेन जो मंदिर है वो ये रहा सामने, एकदम सामने आप देखो ये है। तो प्रांगण में अभी चलते हैं। हाँ, टीका उका लगाने की व्यवस्था इन लोग कर रहे हैं, शादी भी हो रही है। अरे वाह वाह वाह, जोड़ों की शादी हो रही है। चलो वो शादी जरा सा देख लो, वो देखो। ग्रुप मेंबर्स मेरे अर्पण, ये इधर, ये दोनों, और उधर पीछे ये रहा कुंतल। चले जाओ तुम लोग दोनों भी, चले जाओ। शुभ, तुम लोग दोनों भी चले जाओ, इसको भी बोल रहे हैं चले जाओ। सस्ता है, हो जाए। शुभ को मैं बोल रहा हूँ चले जाओ तुम लोग दोनों भी, लगे हाथ गंगा नहा लो, नहीं मान रहा। यहाँ पर लोगों ने मन्नत मांगी हुई है, आप ये देखो। अभी हम लोग हैं पुरातत्व संग्रहशाला आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम तमलोक केस्टा, जैसा कि आप देख रहे हो वहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग लंच किए, लंच तो बहुत ही घटिया था। तो ये म्यूजियम में हम लोग जा रहे हैं ऊपर, म्यूजियम जाने का ये रास्ता है मेन रोड से, ये सीढ़ी आप चढ़ते जाओ तमलोक म्यूजियम। ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर, ये रहा। तो अभी मैं हूँ, जैसा कि पीछे हम लोग की गाड़ी खड़ी है वो देखो, अभी मैं हूँ या हम लोग हैं नदी किनारे, तमलुक नदी किनारे, जो रूपनारायण नदी है उसके किनारे हम लोग आए हुए हैं और जा रहे हैं थोड़ा नदी का दर्शन करने, देखने शाम का माहौल, नदी कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है वगैरह वगैरह। ये रहा नदी किनारा। লোকাল লোক নদী পেরোচ্ছে, নদী পেরিয়ে যাবে, সেই কারণের জন্য এরা সেতু দেবে। ये सीढ़ी है, सीढ़ी से ये नीचे उतरना है, लेकिन नदी जो है मैं क्या बताऊँ, यहाँ से काफ़ी दूर निकल चुका। ये जो आप देख रहे हो ये कीचड़ भरा रास्ता है, काफ़ी दूर वो रहा नदी, वो जो एक दूर में नाव खड़ी है वहाँ पे वो नदी। अभी यहाँ एक सांप दिखने को मिला, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो। डर के मारे हालत, एक की हालत देखो, वो वहाँ खड़ी हो गई है, एक इधर ये भाग रही है, हैं दोनों इधर खड़े हैं। अरे बेचारे रोड तो अच्छे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नोड़चे ना खे छे खे या नोड़ते बच्चे ना है। ये कभी तक वहाँ खड़ी है, वो देखो वहाँ से हिल नहीं रही है। चले सो चले सो। और यहाँ कंडीशन, कुंतल सो गया है बड़े आराम से, अर्पण भी यहाँ लेट गया, अर्पण भी देखो खाना खा के अर्पण लेट गया एकदम। ये हंस रही है, इसको भी मौका मिलता तो ये भी लेट जाती। उधर बैठा हुआ है शुभो, तो ये देखो उठ के बैठ गया। चलिए थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ, मैं सोया पड़ा, सभी सोए पड़े थे, उधर एक है सोया पड़ा है, वो देखिए
ये कुंतल उठ गया है, सब सोए पड़े हुए थे इधर इधर, ये रहे दोनों। दरअसल क्या ना कि उठ के बताता हूँ, भोजन के बाद सब कोई थक गए इतनी दूर इतनी लंबी राइड पे, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने हल्की सी एक गलती कर दी, हम लोगों ने चावल खा लिया। चावल खाने के चक्कर में हल्की सी गलती हम लोग कर दी, चावल खा लिया। रोटी वगैरह अगर खाया होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पर आकर घास में हम लोग सब लेट गए। बाहर का यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत खुशनुमा एटमॉस्फेयर है, क्या बताऊँ। ये देखो तो चलिए, एक नई खोज थी, एक नई कहानी थी तमलुक राजबाड़ी और तमलुक को लेकर, क्योंकि तमलुक को के बारे में जो मैंने दिखाया, तमलुक उस ज़माने में एक समृद्ध नगर हुआ करता था, एक समृद्ध नगर। समृद्ध नगर उस ज़माने में शायद ही कोई नगर ऐसा था, क्योंकि ये एक बंदरगाह नगर था। ये आप देख रहे हो रूपनारायण नदी के सामने मैं बैठा हुआ हूँ, रूपनारायण नदी है और भी सुवर्ण रेखा नदी है, उधर जाके हुगली नदी है। तो यहीं से जो जितनी भी पोर्टिंग होती थी, बंदरगाह वाली जो बात होती थी, वो सब यहीं से होती थी। नॉर्थ इंडिया से जितने भी सामान वगैरह आते थे उस वक्त, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त जितने भी सामान आते थे वो यहाँ आते थे, और यहाँ से होकर फिर जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया वगैरह 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 जगह पे जाते थे सामान। तो इसलिए ये जो नगर है बहुत समृद्ध नगर हुआ करता था। मैंने आप लोगों को दिखाया, ये मेरी कोशिश थी, ये कोशिश जारी रहेगी। नए खोज के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक नए खोज के लिए की कोशिश मेरी जारी रहेगी। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। वैसे भी बहुत टायर्ड हो गया यार, बहुत टायर्ड हो गया हूँ। ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलूँगा फिर एक नए एपिसोड में और एक नए ब्लॉग में और एक नई खोज में। खोज मेरी जारी रहेगी, आप लोगों को बताता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बी इंडियन।